मैं हो गई हूँ बिल्कुल परफेक्ट, और ये जो टॉप है मुझ पे कितना जच रहा है। परफेक्ट, अपने ब्रा का स्टेप देखा है, वो तो क्लियरली दिख रहा है। अरे यार, फैंसी टॉप के साथ साथ कम से कम कोई फैंसी ब्रा तो पहन ले। अपने ड्रेस के हिसाब से हमेशा ब्रा पहनना चाहिए। ब्रा, वो भी फैंसी, कौन देखने आएगा? सभी तो देख रहे हैं, तेरे ब्रा का जो स्टेप है वो तो क्लियरली दिख रहा है। क्या करूँ यार, नॉर्मली ऐसे ही तो ब्राज मिलते हैं ना मार्केट में। ब्राज होते हैं, उसके साथ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रा का स्टेप चेंज करके तरह तरह के ब्राज आजकल मार्केट में आते हैं, जिसके बारे में अगर तुझे जानना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ब्रा पहनने की। पर ब्रा पहनना किसी को सिखाना पड़ेगा? अरे नहीं यार, एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस किस तरह से आप अपने कपड़ों के अकॉर्डिंगली अपने ब्रा को चेंज कर सकते हैं, ब्रा के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आपका जो रेगुलर के ब्रा है उसे ही आप चेंज कर करके अपने अलग अलग ड्रेस के डिजाइन के हिसाब से आप उसे पहन सकते हैं। और ऐसा एक ब्रा मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि अभी अभी आपने देखा, जो प्रॉब्लम हुआ है कि हम फैंसी कपड़े तो पहन लेते हैं पर ब्रा का जो स्टेप है उसे लेके हमें प्रॉब्लम होता है कि ब्रा का स्टेप हमेशा ही मतलब दिख जाते हैं, और विदाउट स्टेप कैसे ब्रेस्ट लिफ्ट हो सकते हैं जैसे कि दिखने में अच्छा लगे, ऐसा कुछ। तो हाँ, ऐसा भी एक सोल्यूशन है मेरे पास जो कि है ऐसे ब्राज। जी हाँ, ऐसे ब्रास मैं लास्ट 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, और आपने मेरे ब्लॉग चैनल में तो देखा ही होगा कि तरह तरह के डिज़ाइंस के मैं टॉप्स यूज़ करती हूँ, मैं ड्रेसेस पहनती हूँ, पर मेरे ब्रा का स्टेप कभी भी दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है, मैं नहीं पहनती? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ब्रास पहनती हूँ। इसका जो बेस है ये आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत है, मतलब इसे बना ही गया है इस टेक्निक से जो कि ये ब्रेस्ट को अच्छे से लिफ्ट करके रख सकता है। और इसका जो अंदर के जो साइड है मतलब बैक साइड, ये आप देख सकते हैं, ये और ब्रास की तरह नहीं है। ऐसे दिखाओ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कितना ठीक है। आप देख सकते इसमें स्प्रिंग लगाया गया है इस एरिया में, ताकि हर तरीके से, यहाँ पे प्लेट्स है, यहाँ पे स्प्रिंग है, ताकि हर तरीके से ब्रेस्ट को होल्ड कर सकते हैं, अच्छे से लिफ्ट कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली ये साइज के हिसाब से है। और इसके और भी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो क्लिप दिए गए हैं ना, इसे आप छोटा बड़ा मतलब इसे आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करके ये जो बेल्ट है इसे और भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसे भी आप खींच के यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे अगर आपको क्लीवेज का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपके साइज के हिसाब से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ब्राज आप ज़रूर यूज़ करना। पर गाइज, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, फिर भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, अगर आपको लगे कि ये आपका बजट फ्रेंडली है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एक ब्रा अगर आप ले लेते ना तो आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये सारे ड्रेसेस को देखिए, तो ऐसे ड्रेसेस अगर आपको पहनी है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली ऐसे ड्रेसेस में भी आप ऐसे ब्रा यूज़ कर सकते हैं, पर सपोज अगर ऐसे ब्रा परचेस करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये आपको लगता है कि आपके बजट फ्रेंडली नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। नॉर्मली हम कैसे ब्रास पहनते हैं? ऐसे पहनते हैं ऑब्वियसली ना, तो इसे भी आप इस ड्रेस के साथ आराम से पहन सकते हैं। और पता है कैसे? इसका जो एक साइड का ये जो स्टेप है इसे आप रिमूव कर दीजिए, ये हो गया है रिमूव। अभी रह गया है इस साइड में, मतलब जिस साइड में स्लीव है उस साइड का आप रख लीजिए, और फिर ऐसे क्या बैलेंस कर सकता है, ऐसे क्या पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, ये बैलेंस नहीं होगा। तब आपको फ्रंट साइड में ऐसे रखना, और बैक साइड में आपको क्या करना है, दूसरी तरफ जिस साइड में स्लीवलेस है उस साइड का जो बैक साइड में इसे आप ऐसे लगा लीजिए, ये कुछ दिखने में ऐसा आएगा। तो ड्रेस भी कुछ ऐसा ही था ना, तो ये प्रॉपर बैलेंस में आ जाएगा। हाँ, पर हल्का सा पैड वाला ब्रा तो आपको चाहिए, ये भी हल्का सा पैड वाला ब्रा है, ज्यादा नहीं पर ऐसा है, आप देख सकते हैं सामने से, तो ये एटलीस्ट आपको चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई ड्रेस पहननी है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऑब्वियसली स्टेपलेस ब्रा का तो एक ऑप्शन है ही, पर उसके अलावा अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कैसे नॉर्मल ब्रा को ही इस तरह से यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, ये जो स्टेप है एक ही स्टेप रखना, ठीक है, और इस स्टेप को आप ले जाके इस तरफ ऐड कर देना, बस हो जाएगा। तो हो गया ना, ये बिल्कुल ऐसे शोल्डर के दोनों साइड से आएगा, और पीछे अगर आपका ड्रेस अगर बैकलेस हो तो भी ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर ये इसका जो कलर है ये मैरून है, पर आप अपने ड्रेस के हिसाब से ले लीजिए, मैरून है तो मैरून ले लीजिए, अगर ब्लैक है तो ब्लैक ले लीजिए,
ऐसे अगर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो डिजाइन है इसके बदले में आपके ब्रा का जो स्टेप होगा वही यूज कर लीजिए, और पीछे की तरफ देखिए बिल्कुल बैकलेस आप पहन सकते हैं। हो गया ना, और एक प्रॉब्लम का सलूशन। और अगर आप ऐसे कोई ऑप्शन में जाना नहीं चाहते तो भी आपके पास एक ऑप्शन है, वो भी आपके वो पुराने वाले ब्रा के साथ। क्या कर सकते, पूरा स्टेपलेस कर दीजिए आप, पूरा स्टेपलेस, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है ट्रांसपेरेंट स्टेप। तो ट्रांसपेरेंट स्टेप बिल्कुल ऐसे स्टेप की तरह आप यूज कर सकते हैं, वो दूर से तो दिखाई नहीं देगा, दूर से इतना विजिबल नहीं होता है, पर हाँ सामने आने से वो विजिबल होता है। तो अगर आप ऐसे कोई ड्रेस पहनते हैं जो ट्रांसपेरेंट स्टेप दिखाई भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप वो कर सकते हैं। पर कंप्लीटली अगर आपको इनविजिबल चाहिए तो आपको स्टेप लेस ब्रा यूज करना चाहिए, जो कि मैं फर्स्ट हैक में दिखाई है। पर ये है सारे ऑप्शंस जो कि आप अपने पुराने ब्रा के साथ ही कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रा के साथ ही कर सकते हैं। नॉर्मल आप ब्रा यूज करते हैं वैसे भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे शोल्डर के ऊपर से मैंने आपको दिखाई ना पहली बार वो भी कर सकते हैं, और ऐसे स्लैंटिंग में जो दिखाई है वो भी आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। पर ट्रांसपेरेंट जो स्टेप है उसका एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ में, वो मैं आपको पहले बता दूं। जब ये स्टेप कुछ दिन तक आप यूज करेंगे उसके बाद ना जब ये पुराना हो जाएगा ना तो ये अचानक से ऐसे टूट सकता है, ये ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए बोल रही हूँ। तो इसके साथ कुछ ज्यादा ट्रिक करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये ज्यादा पुराना ना हो। तो ऐसे स्टेप आप परचेस करके मतलब कुछ खरीद के आप रख सकते हैं घर में, जब भी आप कोई ज्यादा ही मतलब ट्रिक यूज करेंगे इसके साथ तब वो नया वाला यूज कर लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा अगर स्ट्रेच होता है, ज्यादा अगर ये यूज होता है ना उसके बाद ये धीरे धीरे पता नहीं क्यों पर धीरे धीरे ये कमजोर हो जाते। तो थैंक गॉड कि उस दिन मैं घर में थी, जस्ट तैयार हो रही थी और इसे मैं करने गई थी, क्या पता है वो जो शोल्डर के ऊपर से जो आता है जो अभी भी मैंने आपको दिखाई है वो चीज इसके साथ करने गई थी। तो जब ये शोल्डर मतलब एक ही स्टेप अगर आपके ब्रेस्ट को वो लिफ्ट करके रखेगा तो उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, ज़्यादा वो स्ट्रेच हो जाएगा अगर एक कोई अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल ऐसे जो स्टेप है इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर ये ट्रांसपेरेंट के साथ थोड़ा बहुत हो जाते हैं। तो मैं ड्रेस पहन लिया, फिर मैं मेकअप कर रही हूँ, मेकअप करने के टाइम में अचानक से पट करके एक आवाज़ आया और बहुत सब कुछ मतलब लूज लग रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि वो टूट गया है, एक साइड से वो टूट गया है, तो इसे और हम जोड़ नहीं सकते, फिर से मैंने नया लिया है। तो अगर इसके साथ कुछ ट्रिक करना है तो ट्रांसपेरेंट स्टेप को हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो हमेशा नया होना चाहिए। और अगर नॉर्मल से आप यूज करते हैं तब भी कहीं पे जाने से पहले थोड़ा सा ऐसे चेक करके जाना कि ये इसका स्ट्रेंथ कितना है, ये मतलब थोड़ा सा कमजोर लग रहा है कि नहीं, वरना बाहर जाके आप कोई परेशानी में पड़ सकते हैं। ब्रेस्ट का साइज अगर स्मॉल हो ना तो क्लीवेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जब वो कोई फैंसी कपड़े पहने तो थोड़ा सा क्लीवेज का लुक आए, ऐसा बहुत सारे लोगों को पसंद है स्पेशली टीनेजर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नॉर्मल साइज जो ब्रा है ना तो उसको थोड़ा सा यहाँ से आप स्टिच कर लीजिए थोड़ा सा, जब ये दो कप्स ऐसे सामने मतलब नजदीक आ जाएगा तो क्लीवेज ऑटोमेटिकली विजिबल होगा। और उसके साथ स्टेप जो है थोड़ा सा छोटा कर लेना है, मतलब ये जैसे कि जितना आपका ये है, जितना आपका नॉर्मल ये आप रखते हैं तो उससे इतना आप छोटा कर लीजिए, क्या पे एडजस्ट करने का क्लिप तो है ही, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। जब थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा लिफ्ट होगा आपका ब्रेस्ट, और ये दो कप जब ऐसे नजदीक आएगा तो क्लीवेज थोड़ा बहुत दिख जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि आप ऐसा कोई ड्रेस परचेस करना चाह रहे हैं जो कम्प्लीटली बैकलेस हो, मतलब आपके यहाँ से लेके कमर तक बिल्कुल खाली हो, पूरा बैकलेस जिसे कहते हैं, तो उस टाइम में आप प्रॉब्लम में आ गए हैं कि अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट जो भी आप करें ब्रा के साथ, ब्रा का इस पार्ट तो दिख ही जाएगा ना, इस पार्ट को आप क्या करेंगे। उस टाइम में थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे जब ड्रेस होगा ना, ऐसे ड्रेसेस के लिए ऐसे पैड अलग से बाहर आपको मिल जाएगा, आप वो परचेस कर सकते हैं। आजकल जो ब्लाउजेस में भी ऐड किया जाता है, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ऐड किया जाता है, ऐसे कप मिल जाएगा पैड, तो वो आप टेलर शॉप में जाके या तो खुद भी ग्लू से उसे चिपका के आप अपने उस ड्रेस को परमानेंट ब्रा प्रूफ कर सकते हैं, मतलब उसमें आपको ब्रा यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका ऐसे अगर कोई पुराना ब्रा है ना तो उसको
इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए, उसका जो ये पार्ट है ना कट कर लीजिए, कट करके ये खुद बन जाएगा एक पैड। तो इस पैड को आप ड्रेस के साथ कुछ कोई अच्छे से ग्लू से चिपका लीजिए। अगर ऐसा कर लिया ना तो परमानेंटली आपके उस ड्रेस के लिए जो ब्रा का जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, आपको उसमें ब्रा पहनने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के अगर आप ड्रेस पहनना चाहते हैं तो इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। तो इसका जो बैक साइड का डिजाइन है आप देख सकते हैं, वहां पे ब्रा का स्टेप्स आराम से दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो सपोज ये ब्रा बिल्कुल ऐसे जैसे कि डिजाइन की है आप वैसा कर लीजिए, मतलब ऐसे ही आप पहन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी इस तरह के क्लिप। इनमें से मैंने एक क्लिप लिया और फिर इसे मुझे क्या करना है, ब्रा के पीछे का जो दो स्टेप है इसे स्टिक कर देना है, इसे ऐसे स्टिक करना है दोनों को एक साथ बिल्कुल ऐसे। तो आप देखिए इसका जो पीछे का जो स्टाइल है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है इसका भी सलूशन हो जाएगा। सो गाइज ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एवरी डे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो इसलिए फॉलो करते रहना मेरे इस चैनल को, एवरी डे कोई ना कोई वीडियो आपके लिए आएगा। एंड अगर आप चाहे तो इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे से मिलते हैं और एक बहुत अच्छा वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।